Hello students, good morning. Today we are going to start your poem 4, class 10, 9th English. So in this poem, the poem name is The Lake Isle of Innisfree. Innisfree एक जगह का नाम है जो poet हैं वो जहाँ बचपन में रहते थे उनका होम टाउन है वहाँ उसके बारे में उन्होंने इस पोयम में बताया है. दिस वेल नोन पोयम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इंसफ्री. इस पोयम में जो जानी मानी पोयम में जो पोएट हैं उनकी बहुत इच्छा है, वो अपना चाहते हैं शांति चाहते हैं अपने जीवन में, जो शांति वहाँ इंसफ्री जहाँ पर वो रहते थे वहाँ उन्हें वो मिलती थी, वो शांति वो जीवन में चाहते हैं. वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय दिस पोयम इज अ लिरिक. और जहाँ इंसफ्री वो जगह जहाँ पर उन्होंने अपने बचपन का बहुत सारा समय बिताया है उसे वो वही शांति वो फिर से चाहते हैं. और ये पोयम एक लिरिक है. लिरिक होता है एक पंक्तिबद्ध पोयम हो, एक उसको आप लिरिक बोलते हैं. और यहाँ चार चार लाइन के आपके जो स्टेंजर्स हैं और इसमें चार चार लाइन के जो स्टेंजर होते हैं उसको बोलते हैं कॉरेंट. तो इसमें आपके जो पहली चार लाइनें हैं इसमें आपका है, तो पोएट अपनी इच्छा बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं. वो चाहते हैं कि हम वहाँ जाकर रहें, कैसे हम क्या क्या इंजॉय करें, क्या क्या हम फील करें, वो इसमें बताया है. तो फर्स्ट लाइनों में है आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंसफ्री. वो कहते हैं मैं उठूंगा और अभी जाऊँगा. गो नाउ अभी जाऊँगा, कहाँ उठेंगे मतलब उठेंगे मतलब सोके उठेंगे, उठेंगे और वो अभी जाएंगे. गो टू इंसफ्री, कहाँ जाएंगे वो इंसफ्री अपने होम टाउन जाएंगे. एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वो कहते हैं वहाँ पर एक स्मॉल केबिन छोटा सा घर बनाएंगे. केबिन माने एक छोटा सा झोपड़ी टाइप की, छोटा सा घर कह सकते हैं आप. वहाँ वो बनाएंगे ऑफ क्ले एंड बेटल मेड. बेटल का मतलब होता है ब्रांचेज, लकड़ियों की होती है ना एकदम से ब्रांचेज होती हैं लकड़ी, छोटी लकड़ियों को एकदम से बांध के कुछ बना लेते हैं उसको बोलते हैं. तो उन्होंने कहा मिट्टी से और लकड़ियों के से हम अपना घर बनाएंगे. नाइन विंस रो Will I have there? और मैं वहाँ बीन्स जो बीज होते हैं बीज हम बोएंगे और उसकी खेती करेंगे. I hive for the honey bees, और honey bees माने मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता भी वहाँ पर हम लगाएंगे, तो यानी कि वहाँ पर रहना चाहते हैं. And live alone in the bee loud glade, और मैं अकेले में रहकर वो बी की जो मधुमक्खियों की जो आवाज़ है, ग्लेड मीन्स होता है ओपन स्पेस यानी कि खुले मैदान में खुली जगह में वो उन बीस की आवाज सुनना चाहते हैं, उस उन बीस की आवाज को वो फील करना चाहते हैं, उसकी शांति महसूस करना चाहते हैं. तो पहली लाइनों में वो कहते हैं कि हम इंसफ्री जाना चाहते हैं, उठेंगे और हम जाएंगे और वहाँ पर स्मॉल केबिन बनाएंगे, किसका, मिट्टी का और लकड़ी का. और वो कहते हैं वहाँ पर हम खेती भी करेंगे, उस बीज भी बोएंगे, कुछ खेत करेंगे, खेती करेंगे और मधुमक्खी का छत्ता भी हम वहाँ पर लगाएंगे. और वहाँ अकेले रहकर वो इस आवाज को फील करना चाहते हैं, वहाँ वो अकेले रहना चाहते हैं. इन सेकंड स्टैंजर एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ शांति मिलेगी. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और उन्होंने कहा है जो शांति है वो भले धीरे धीरे मिलेगी, मतलब ऐसे मिलेगी जो बहुत स्लोली हमें मिलेगी. ड्रॉपिंग फ्रॉम द बेल्स ऑफ मॉर्निंग वेयर द, उन्होंने ये कहा है कैसा कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द बेल्स ऑफ द मॉर्निंग, जब बेल्स होता है घूंघट जो कुछ डालते हैं उसको बोलते हैं घूंघट. तो ड्रॉपिंग फ्रॉम द बेल्स ऑफ द मॉर्निंग, जैसे कि सुबह जब होती है तो जो कोहरा होता है, जो बर्फ होती है वो धीरे धीरे हट जाती है, ऐसे ही धीरे धीरे हमें भी वहाँ पर शांति मिलेगी. वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और जहाँ पर क्रिकेट मतलब यहाँ पर है वो स्मॉल इंसेक्ट छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनकी आवाज़ को बोलते हैं, वहाँ वो गाएंगे यानी कि वो कीड़ों में उसकी आवाज वो सुनना चाहते हैं. दे आर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और जहाँ मिड नाइट यानी कि मध्य रात्रि में एक ग्लिमर, ग्लिमर से चमक होती है, एक अलग सी चमक होती है. एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर के टाइम पे एक पर्पल ग्लो वहाँ दिखाई देता है. एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स स्विंग, और शाम कैसी होती है पूरी यहाँ पर लिनेट्स का मतलब है वर्ड, पक्षियों के विंग से यानी कि पक्षी उड़ते रहते हैं पक्षियों के उससे आप उस टाइम वहाँ पूरा शाम वहाँ भरी होती है. तो ये सेकंड स्टैंजा में वो शांति बताते हैं, शांति मुझे वहाँ मिलेगी
और शांति धीरे धीरे मिलेगी। कैसे मिलेगी? जैसे कि जब सुबह का आने से जो कोहरे का घूंघट धीरे धीरे हटता है, ऐसे ही हमें वहाँ स्लोली शांति मिलेगी। और कीड़ों की वो आवाज़ सुनना चाहते हैं, और दोपहर का जो रात का जो ग्लिमर है उसे देखना चाहते हैं, और नून का पर्पल ग्लो है वो भी है, और शाम के टाइम पर जो बर्ड्स हैं वो उनके विंग्स से वो भर जाता है। इन थर्ड स्टैंजा, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। मैं उठूंगा और जाऊंगा, मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ, मतलब हमेशा यही चाहता हूँ। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेवमेंट ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। अब उन्होंने इसमें ये कहा है, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, जो जो यहाँ पे लेक का है, झील होती है, झील के बारे में बताया, झील की जो आवाज होती है, जो उसका वाटर लैपिंग का आवाज होती है, उसकी जो आवाज होती है पानी की, वो लो साउंड्स बाय द शोर, जो किनारे से एक बहुत धीमी आवाज आती है, और मैं जब मैं चाहे मैं रोड पे खड़ा हूँ या मैं फुटपाथ पे खड़ा हूँ, तब मैं जब मैं ये रोड पे या फुटपाथ पे खड़ा होता हूँ तो मैं इस आवाज को, किसकी आवाज को, वो लेक के पानी की आवाज को, वो बहुत अपने दिल से यानी कि अपने हृदय के अंदर से वो सुन सकते हैं। तो इन लाइनों में वे कहते हैं, मैं उठूंगा जाऊंगा और मैं दिन रात यही सोचता रहता हूँ, यही चाहता हूँ, और मैं इसकी लेक की आवाज में सुनता रहता हूँ, भले मैं फुटपाथ पे खड़ा हूँ या मैं रोड पे खड़ा रहूँ, मैं अपने दिल से इस दिल की गहराइयों से इस आवाज को सुनता हूँ। तो यहाँ पर वो चाहते हैं कि ये जो आपका लेक ऑफ आइल ऑफ इंस्प्री है, ये इंस्प्री एक जगह का नाम है, जगह क्या है, जो उनका होम टाउन है, और आइल मतलब क्या होता है, जो एक जगह होती है जहाँ पर चारों तरफ पानी होता है, पानी के बीच में आप आइलैंड जानते हो, आइलैंड, तो आइलैंड ही यहाँ पर है, एक आइलैंड है इंस्प्री, वहाँ पर वो जाकर रहना चाहते हैं, अपना वहीं घर बनाकर रहना चाहते हैं, बहुत कुछ वहाँ करना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि वहाँ पर उन्हें पीस यानी कि मन की शांति और दिमाग की शांति उन्हें मिलेगी, इसलिए वो वहाँ पर जाकर रहना चाहते हैं। सो इसे आप समझ लीजिए, जो भी डाउट्स हम लाइव क्लास में क्लियर कर लेंगे। सो इसे आप अच्छे से पढ़ें, लाइन बाय लाइन पढ़ें, रीड इट, रिपीट इट, थैंक यू।